अगर तुम इस वक्त एक ऐसे बंदे जो कि जिम जा रहा है इस होप में कि मेरे से लड़कियां इंप्रेस होंगी, लोग मेरे को एक अच्छा लिफ्टर समझेंगे, लोगों की नजरों में एक बिग बंदा बन जाऊंगा, ट्रस्ट मी तुम्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। आज का समय सोशल मीडिया का समय, सोशल मीडिया में देर आर सो मेनी फेक नेटिस रोहित चौहान जैसे जो कि स्टेरॉइड के टीके लगा लगा कर इतने इतने बड़े बन चुके हैं, इम्पॉसिबल फिजिक्स अचीव कर चुके हैं एंड वो नेचुरल का नारा लगा रहे हैं। एंड डू यू नो व्हाट सबसे ज्यादा कौन सफर करता है? पीपल लाइक अस। आई मीन इस वक्त मेरी 100 kg की बेंच प्रेस है, 55-60 kg की ओवरहेड प्रेस है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लाइक मैं अपने जिम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल में से एक हूँ। एंड गेस व्हाट, सोशल मीडिया पे मैं एक फोटो डाल दूं ना, बंदे बोलते हैं ये बॉडी है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में जो ऑलरेडी लोग पोस्ट कर रहे हैं वो इतना अनअचीवेबल है, इतना फेक है और लोग उसको नेचुरल बोल बोल कर आपको जब सेल कर रहे हैं ना, आपकी ही डिस्टोर्शन खराब हो जा रही है। जो एवरेज सेट हो जा रहा है वो बहुत भयंकर हो जा रहा है। इट इज सेम लाइक लड़कियों को 10 out of 10 मैन सोशल मीडिया पे लगातार दिखे जा रहे हैं एंड रियलिटी में जब उन्हें वो 5 out of 10 आदमी दिख रहा है वो उनके लिए अगली बन जा रहा है। आई मीन तो मूवीज का एग्जांपल लेके देखो, बैक इन 90s जो बॉडी सलमान खान की थी ओहो जाना जाने गाने में, वो पीक मेल एस्थेटिक था उस टाइम पर इंडिया के लिए। लाइक वो बॉडी को देखकर लोग बोलते थे ओह माय गॉड व्हाट अ बॉडी, लाइक क्या ही बॉडी है। गेस व्हाट, आज क्या चल रहा है? आज वो बॉडी मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए या सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। गेस व्हाट, मैं तो यहाँ तक बोल सकता हूँ कि अगर सलमान खान वो पोस्ट आज करें बंदे बोलेंगे भाई बॉडी बनाओ, क्योंकि जो हमारा नजरिया है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, बट डू यू नो व्हाट, एक पॉजिटिव भी है कि जितने भी लोग तुम्हें बोलेंगे ना बॉडी बना, बॉडी अच्छी नहीं है, इवन तो तुम बहुत मेहनत कर रहे हो जिम में एंड यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द जिम, डोंट वरी, ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है। अगर रियलिटी में तुम्हें यही लोग मिलेंगे जो कि तुम्हें देखेंगे इस बॉडी के साथ, या तुम्हें जिम में या रियल लाइफ में लड़कियां मिलेंगी उनके सामने तुम जैकडी लगोगे, क्योंकि इवन दो सोशल मीडिया के लोगों में देखा जाए तो तुम्हारी बॉडी 0 number पर स्टैंड करती है, पर जब तुम एवरेज देखोगे लाइक अपने कॉलेज में, अपने गांव में, अपनी सिटी में, तो तुम 4-5 साल लिफ्ट करने के बाद एक टॉप 100 बंदों की कैटेगरी में चले जाओ एंड उस वजह से रियलिटी में लोग तुम्हें ह्यूज ही समझेंगे। रियलिटी में तुम्हें सोशल मीडिया वाला बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा लोगों में। एंड यू नो व्हाट, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, जो बॉडी बिल्डिंग भी नहीं कहूंगा, जो कि सलमान खान टाइप की फिटनेस रेजीम है कि जिसमें तुम जिम मारते हो हफ्ते में 5-6 दिन अपने आप को सेक्सी दिखाने के लिए, ऑल दैट स्टफ, ये सोशल मीडिया पे काम ही नहीं करता है। लाइक सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हैं, लाइक जैसे कृष्णा जोशी है, ही हैज़ दैट इनसेन जेनेटिक जो कि बहुत रिप्ड है एट द सेम टाइम बिग है। अगर आपके वह जेनेटिक नहीं है तो आपको सोशल मीडिया पे लोग स्किनी फैट, फैट डू यू इवन लिफ्ट वाला बंदा बोल देंगे कि तूने जिम भी मारा है कभी जीवन में, क्योंकि देर इज अ लाइन जो कि बहुत सही लाइन है, बिल्कुल परफेक्ट लाइन। वो लाइन कहती है कि नेचुरली तुम या तो बिग एंड फैट हो सकते हो या फिर तुम श्रेडिड एंड कपड़ों में स्किनी हो सकते हो, पर अगर तुम ये दोनों चीज़ें एक टाइम पर हो, लाइक तुम बड़े भी दिख रहे हो साइज में साथ में श्रेडिड भी हो, यू आर नॉट नेचुरल। एंड ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन है एटलीस्ट 8 out of 10 पीपल के लिए। 10 में से 8 लोग ऐसे ही होंगे, या तो वो कपड़ों में झोटे लगेंगे, इतने बड़ी बड़े मसल सब कुछ, पर जैसे कपड़े उतारोगे तो फैट चढ़ा होगा, या फिर वो कपड़ों में बिल्कुल पतले लगेंगे बट जैसे कपड़े उतारोगे तो श्रेडिड होंगे। एंड यही डिस्टोर्शन इंटरनेट खराब कर रहा है। आज के टाइम पर जो बंदा जिम नहीं जाता, जिस लड़की को जिम के जी का भी पता नहीं होगा, वो लड़की जब तुम्हारी बॉडी देखेगी शी विल थिंक यार ये कितना एवरेज दिखता है, क्योंकि वो लड़की रोहित चौहान जैसे फेक नेचुरल्स को देखकर सोच रही है कि हर बंदे को वैसा तो दिखना ही चाहिए। सो व्हाट शुड यू इवन डू अबाउट इट? क्या तुम्हें जिम ही नहीं करना चाहिए, ये वो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना, पब्लिकली यू विल स्टिल लुक बिग, यू विल स्टिल लुक इंप्रेसिव इवन इफ सोशल मीडिया पे तुम स्किनी या फैटी दिख रहे हो। पर लेकिन अगर तुम सोशल मीडिया पर फ्लेक्स करना चाहते हो, दैट विल गेट एक्सट्रीमली हार्ड, क्योंकि सोशल मीडिया पर आज के टाइम पर फ्लेक्स कर पाना इज लिटरली इम्पॉसिबल एज अ नेचुरल मैन। सो बस तुम अपनी सोशल मीडिया की एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, ये भूल जाओ कि तुम्हें सोशल मीडिया पर लोग वाओ क्या बॉडी है बहुत मजा आएगा इसके साथ वैसा बोलेंगे, क्योंकि वो फेक नेचुरल्स ने डिस्ट्रॉय कर दी परसेप्शन एंड अब हर आम से आम बंदा सोचता है कि ये तो कोई बॉडी ही नहीं है, ये तो कोई भी बना ले, बॉडी तो रोहित चौहान जैसी होनी चाहिए। सो बस ये सोच लो कि ये मॉडर्न टाइम्स की एक बीमारी है जो कि अब जाने नहीं वाली, सोशल मीडिया पे ये रहेगी ही रहेगी। सोशल मीडिया पे तुम इंप्रेसिव नहीं दिखने वाले एज अ नेचुरल मैन, पर रियल लाइफ में सिचुएशन अभी भी बिल्कुल ठीक है। सो डोंट वरी, कीप लिफ्टिंग, बस सोशल मीडिया की एक्सपेक्टेशन भूल जाओ। एंड ये काली गोली ऑफ द डे थी। वाह, पर भाई जितनी भी काली गोली है, तुम्हें जितनी भी चुभी हो, इट डज नॉट मैटर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि तथ्य तथ्य है और सत्य सत्य है। बाकी कोने में लेमन भी है, अगर मेरी बात मान लेते हो तो नहीं चूसना पड़ेगा। और अगर इस भ्रम में जी रहे हो कि नेचुरली तुम सोशल मीडिया में जैक्ड एंड इंप्रेसिव एट द सेम टाइम लोगों को भूल जाओ, अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग को लें बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वाह, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। वाह, I'll see you next time, till then as usual, to see everyone, jaagte raho, wah!